आना नहीं अंदर आना 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 आना। अब अगर इसको मैंने दो दिन और छोड़ा, इनफैक्ट एक दिन और छोड़ा, तो ये हमारी बिल्कुल कंफर्टिंग फूड बेड बन गया है। Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. So hey friends, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मानसी ब्लॉग्स। तो पहले मैं फटाफट चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाती हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि हमने आज जो टेस्ट करवाया वो एक्चुअली किस चीज़ का टेस्ट था। चाय के बिना ना सुबह से ऐसा हो रहा था कि कब चाय पीऊँ कब चाय पीऊँ, दिन ही स्टार्ट नहीं हो सकता मेरा सीरियसली बिना चाय के। चाय पी के ऐसा लगता है कि अब एनर्जी आ रही है। सो बेसिकली हमने जो टेस्ट करवाया था वो था प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। हम हर साल करवाते हैं हेल्थ चेकअप, सो मतलब ब्लड टेस्ट, एक्चुअली हॉस्पिटल में जाके करवाते हैं, पूरा प्रॉपर पैकेज लेते हैं, एक्सरे और वो स्ट्रेस टेस्ट, हार्ट और ECG वगैरह, वो सब कुछ करवाते हैं। बट अभी तो पॉसिबल नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, हॉस्पिटल जाना सेफ नहीं लग रहा, पॉसिबल तो क्या सेफ नहीं लग रहा, तो हमने घर में जो जितना हो सकता है ब्लड टेस्ट और इन सबसे तो वही था। तो उसमें फास्टिंग होता है ना, तो रात को क्या 12 घंटे का 8 to 12 hours का फास्टिंग होता है। सुबह उठ के मतलब ऐसे किचन में जाके मेरी आँख तभी खुलती जब मैं चाय पीती हूँ। खाना हो गया आपका? खा रही आज इडली, आज के उसको इडली बहुत भारी, रोज इडली चाहिए इडली चाहिए। सो प्रिवेंटिव चेकअप इज़ वेरी गुड, तो आप लोग भी यू नो अगर हो पॉसिबल तो करवाया करिए। 6 महीने में नहीं पॉसिबल, नहीं करवाना ही जरूरी है मतलब। हम हमेशा करवाते हैं, इट्स वेरी गुड प्रिकॉशनरी, आप काफी चीजें पता लगती है, काफी एटलीस्ट आपकी बॉडी के अंदर कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा तो यू कैन कंट्रोल इट। तो चलो चाय पीते नाश्ता करते फिर मैं आपको मिलती हूँ बाद में। Know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind. So, आज मेरे किचन की हालत देखो जरा, ये देखो। आइना को पसंद है इडली रवा वाली, और सुभाष को रवा वाली इडली नहीं पसंद है, मतलब जब तक फ्राई ना करो ना तो उसको वो अच्छा नहीं लगता, फ्राई करके अच्छा लगता है जैसे मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था। और आइना को प्लेन पसंद है, सो अनन्या के लिए मैंने प्लेन बना लिया इंस्टेंटली मॉर्निंग में, क्योंकि हमको नाश्ता करना नहीं था, फास्ट रखना मतलब वही खाली पेट रहना था ना ब्लड टेस्ट के लिए, तो अनन्या को फटाफट बना के दे दिया था मैंने। और यहाँ पे हमारा बन रहा है चीला, नाश्ता करते हैं उसके बाद ये सब, ये देखो हालत देखिए, सब साफ करना है। I know I messed up. Yeah, I know I did you wrong. But I learned my lesson. ये ना अनन्या की बचपन की चांदी की ग्लास है, इसमें ना छोटे छोटे होल्स हो गए, मतलब ना यहाँ पे देखो तो पानी गिरता है, लेकिन अनन्या इसको निकाल निकाल के मैं अंदर रखती हूँ वो बाहर निकाल लेती है, मैं अंदर रखती हूँ वो बाहर निकाल लेती है। तो बचपन का है ना, इतनी छोटी सी थी, कभी बच्चे कैसे ग्रो होते ना पता नहीं चलता है। बालों में मैंने लगाया है बहुत ही मस्त सा हेयर पैक, मैंने ये बहुत बार शेयर किया है, दिस इज मेथी दाना। उसको मैं ना रात को सोप नहीं करती हूँ, नॉर्मल मेथी दाना जो ड्राई है उसको पाउडर बना लेती हूँ, मिक्सी में घुमा लेती हूँ, और उसको एक कटोरी दूध में डाल के 1 घंटा या 1.5 घंटा रख देती हूँ, फिर वो सोक हो जाता है। अगर ज़्यादा हार्ड हो तो थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ और थोड़ा पेस्ट बना के, और मैंने आज एसेंशियल ऑयल डाला है इसमें, आप चाहो तो डाल सकते हो, फिर वो मिक्स कर सकते हो, मैंने अनियन ऑयल डाला है, और फिर इसको मैं 1 घंटा रख के वॉश कर लूँगी। बहुत मेसी होता है पर ये, पर बहुत अमेजिंग होता है बालों के लिए। मैं ढूंढ रही हूँ अनन्या कहाँ, अनन्या कहाँ है, हाँ अनन्या नहाने के बाद देखो उसने कपड़े भी नहीं बदले, क्रीम वगैरह कुछ लगाया, क्रीम तेल कुछ लगाया बॉडी पे, नथिंग ना, चुपके से आके यहाँ पे, हाँ अनन्या कहाँ है, तेरी शक्ल कहाँ है, बस गाल गाल लटके हुए हैं नीचे। देखो यहाँ से फटाफट कपड़े चेंज करके आओ फटाफट। कड़ी के लिए सबसे पहले ये घोल रेडी कर रही हूँ, यहाँ पे लिया है मैंने दही, मैंने अमूल दही लिया है जिसका वो जो छोटा पैक आता है ना वो वाला, उसमें मैं डाल रही हूँ
लगभग 2.5 स्पून के हिसाब से बेसन, और इसको हम थोड़ा सा पहले फेंट लेंगे। इससे क्या होता है ना, जो बेसन है उसमें लम्स नहीं आते। और ये घोल मैं 15-20 मिनट पहले रेडी करके रख देती हूँ, ताकि जो भी लम्स है ना, बाद में जब आप डालने से पहले एक बार घोल लोगे ना, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए आराम से मिक्स हो जाते हैं। ये मिक्स हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ जो मैं ये निकालती हूँ ना घी, तो उसका ये जो बटर मिल्क बच जाता है वो। आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो, और वैसे अगर आपको ना दाने दाने ज़्यादा नहीं पसंद तो आप मिक्सी में भी घुमा सकते हो उसको, पर मैं घर के ही बना रही हूँ, अम्मी खान को ही खाना है, इसलिए ऐसे मिक्स कर दूंगी थोड़ा सा। मतलब मसाला फ्राई होता है इसको मैं साइड में रख दूंगी, इसमें और भी पानी पड़ेगा, ये बस एक थोड़ा सा छोटा सा घोल बना के रखा है। सरसों का तेल गर्म हो गया, इसमें मैं डाल रही हूँ ये सब हींग, मस्टर्ड सीड, जीरा और आपका कड़ी पत्ता और लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च। चटकने लग गई है, इसमें डालूंगी मैं प्याज, नमक, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाला फ्राई होने पर डाल रही हूँ कुटी हुई अदरक और लहसुन, इसको भी फ्राई कर लेंगे। मसाला फ्राई होने पे इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो गरम मसाला, आपका धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाला है मैंने इसमें, इसको भी भून लेंगे। जो हमने घोल बनाई थी वो इसमें डाल देंगे, और इसमें थोड़ा और पानी भी डाल देंगे। इसको हमको भी अच्छे से मिक्स करते रहना है, वरना दही जो है ना वो फट जाएगी। एक उबाल आने तक इसको हमको थोड़ा हिलाते रहना है। टमाटर कट करके डालने थे, भूल गई, एक जुगाड़ करना पड़ता है, बहुत बार होता है मेरे साथ, मैं कुछ तो डालना भूल जाती हूँ, फिर वापस से डालना पड़ता है। तो ये 40-45 मिनट्स बाद देखो अच्छे से पक गया। आप चाहो तो ना बिना पकौड़े के भी कड़ी खा सकती, भी बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा धनिया पत्ता डाल देना, मेरा ख़त्म हो गया है। अब मैं पकौड़े डाल रही हूँ उसमें, ये आलू और प्याज वाले पकौड़े हैं, तो मुझे पकौड़े थोड़े सॉफ्ट अच्छे लगते हैं, तो मैं इसको 10 मिनट और कुक करने वाली हूँ। आपको अगर यू नो गले गले से नहीं पसंद है तो आप इसको 2 मिनट में ही बंद कर सकते हो। ये देखो 10 मिनट्स बाद कड़ी इज प्रिपेयर्ड, बन गया है। चीज़ दिखाऊँ आपको, एक मिनट, इधर आना। देखो आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर। ये देखो, ये उसको और आता नहीं है, पीछे से टाइट हो गया। अच्छा पूरा नहीं दिखा रही ऐसे, पीछे से बटन ही, देखो बटन ही नहीं लग रहा उसका टाइट, फिर भी उसको ये पहनना। सारे छोटे छोटे कपड़े ढूंढ ढूंढ के मेरे कैमरे पे क्या लगा है, निकाल के लेके आएगी। और क्यों रेडी हो रही है, और ये पार्टी वेयर पहन के उसको अपने फ्रेंड के घर जाना, बताओ कोई पार्टी वेयर पहन के फ्रेंड के घर जाता है, और वो भी ऐसा जिसके बटन ही नहीं लग रहे हैं। हाँ बताओ, बोलो कहाँ जा रहे हो वैसे, इतनी एक्साइटेड क्यों, ये तो बता दो। नाटक चल रहा है इसका, कल एक्चुअली इसको अलाउ नहीं करते ना हम नीचे जाने के लिए, मतलब बेसिकली पार्क में खेलने के लिए, तो हम डिनर के बाद जाते हैं। हाँ डिनर के बाद वॉक करने के लिए जाते हैं, तो मैडम को कौन मिल गई कल, इसकी फेवरेट फ्रेंड निहाली, नीहू। ओके नीहू सिस्टर, हाँ भाई सिस्टर। सो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि आज अनन्या उनके घर में जाएगी, आफ्टर कितने महीने बाद आए, मुझे तो याद भी नहीं कितने, 2-3 महीने बाद शायद, नहीं। सो एक्चुअली उसके घर में जाके खेलना अलाउ कर दिया हमने, तो उसके घर जाने वाली है, तो इसीलिए इतनी तैयारी चल रही है। वो पार्टी वेयर निकाल के पहन के जाना इसको, गॉड नोज वाय, और सारे पार्टी वेयर इसके छोटे हो गए, सारे कपड़े छोटे हो गए। चलो ऐसी चीज़ जो मैंने अपने स्किन पे ना मतलब बहुत पहले से यूज़ नहीं किया है, रिसेंटली यूज़ करना, मतलब मेरे को 2 हफ्ते हो गया इसको यूज़ करना, बट मैं इसके इफेक्ट एक्चुअल में आई एम सीइंग, इसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं। फेस पैक्स वगैरह मैंने आपके साथ बहुत शेयर किए हैं, बट दिस इज समथिंग जो मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया था, तो मैंने सोचा पहले जब तक खुद ट्राई ना करूँ, खुद ना देखूँ कि उससे क्या इफेक्ट आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। कुछ ब्रांड व्रांड का नहीं है, मैं खुद से आपको इसके रिव्यूज़ दे रही हूँ, और वो है फेशियल ऑयल्स। तो मैंने बताती हूँ मैंने कौन से यूज़ किए हैं, बट येस अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, फेशियल ऑयल्स के बारे में बात कर रही हूँ। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो तो मुझे ऑब्वियसली आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो। फेशियल ऑयल में मैं दिखाती हूँ आपको, मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ, वेट। सो फेशियल ऑयल्स इज समथिंग, बिकॉज यू नो आप लोग मुझे पूछते हो स्किन रूटीन, और अगर मैं कुछ चेंज कर रही हूँ अपने रूटीन में, कुछ इंट्रोड्यूस करूँ, तो डेफिनेटली आई विल शेयर दैट विद यू। सो फेशियल ऑयल्स एक मिनट, हाँ इस तरह के ऐसे मेरे पास ये वाले हैं, आप अगेन किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। मेरे पास है ये बादाम ऑयल का, ठीक है, और ये है मेरे पास सी बक, ठीक है, सी बक थॉर्न का। खुशबू बहुत अमेजिंग है इसकी, इसमें बादाम ऑयल और इनमें स्मेल नहीं होती है, बट हल्का सा अरोमा डालते हैं ब्रांड्स, कोई भी कंपनी डालती है हल्का अरोमा, आपको अच्छा फील होता है, मुझे हल्की सी महक अच्छी लगती है। सो दिस इज़ बहुत नाइस, और इसका ना स्मेल बिल्कुल बिस्किट जैसा है। तो मैं आपको बताती हूँ फेशियल ऑयल्स क्या होते हैं, आपके स्पेसिफिक फेस के लिए होता है, वो ऐसा उसका कंपोजिशन होता है कि वो इजीली आपके स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट करे, और बहुत लाइट वेट होता है, मतलब ऐसा तेल तेल सा फील नहीं होता है। सो ये ऐसा आता है, देखो ऐसा बिल्कुल लाइट सा है।
सिर्फ दो तीन ड्रॉप्स, छोटी शीशी आती है, सिर्फ दो तीन ड्रॉप्स ही लगते हैं फेस पे और मसाज करके रात को आप सो जाओ, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। आप में से कोई अगर यूज कर रहे हो तो डू लेट मी ऑल्सो नो कि आप कौन सा वाला यूज कर रहे हो, बिकॉज ये चीज है जो मुझे अभी रिसेंटली पता लगी है। सो अभी तो ये मैं दो यूज कर रही हूँ, बट आई वुड लव टू नो आप लोग अगर कोई यूज कर रहे हो जो आप में यू नो इट्स वर्किंग गुड फॉर यू, डू शेयर दैट विद मी ऑल्सो, वो मैं भी एक बार ट्राई पक्का करना चाहूंगी। अब जब मैं यहाँ पे बैठी गई हूँ तो मैं आपको एक और जो बहुत जनरल क्वेश्चन आता है उसका भी आंसर दे देती हूँ कि मैं आईब्रोज कैसे फिल करती हूँ। सो आईब्रोज के लिए मैं यूज करती हूँ ये ऐसा आता है ब्रश, एक ये मिनिसो का सेट था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चार पांच ब्रशेज आए थे बहुत अफोर्डेबल, पहले शेयर किया है। और मैं यूज करती हूँ ये स्विस ब्यूटी का पैलेट आता है ऐसा, ठीक है। ये पैलेट में बहुत सारे शेड्स हैं, ये बेसिकली आई शेडो है, बट आई यूज इट फॉर आईब्रोज। ये आप कलर देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला, आप अगर डार्क यूज करना चाहते हो तो ये वाला एंड ये वाला। तो इसमें हल्का सा, अभी करूँगी तो मेरे आईब्रोज डार्क हो जाएंगे ज़्यादा बिकॉज मैंने कर रखा है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। हल्का सा ये जो टिप है ना यहाँ पे मैं हल्का मारती हूँ ऐसे, ठीक है, हल्का सा। और यहाँ पे ये क्योंकि ये ब्रश ऐसा है ना, इसकी कट जो है ब्रश की ऐसी है कि बिल्कुल आईब्रोज के हिसाब से जाता है, और ऐसे, ठीक है। सो ये तो ये पाउडर से ना आईब्रोज जब फिल करते हैं बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक आता है। थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा जो है ब्रश ऑफ कर लो, सो इस तरीके से सी। सो ये बहुत मुझे तो बहुत पसंद आता है, और सिर्फ ये 250 भी नहीं, इनफैक्ट 200 समथिंग का है, और उसके ऊपर भी काफ़ी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। काजल के भी क्वेश्चंस का भी आंसर दे देती हूँ। काजल में मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, मैं चेंज करती रहती हूँ, बट मेरा मतलब जो फेवरेट है वो ये दो हैं, एक तो ये लैक्मे का आइकॉनिक और दूसरा ये शुगर का। बहुत ज़्यादा इजीली ग्लाइड होते हैं और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, काफ़ी डार्क हैं, तो ये दोनों हैं। तो सारे प्रोडक्ट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी इन केस आपको लगेगा। तो पता है क्या होता है जब आप कपड़े सिर्फ दो दिन फोल्ड नहीं करते हो तो ये देखो कपड़ों का पहाड़ बनता है। ये एक काम है जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं सुभाष पे छोड़ती हूँ, और जब सुभाष छोड़ देता है मेरे पे तो ऐसा पहाड़ बन जाता है। अब अगर इसको मैंने दो दिन और छोड़ा, इनफैक्ट एक दिन और छोड़ा ना, फिर ये पहाड़ ऐसा हो जाएगा कि एवलॉन्च बन जाएगा और पूरे घर में कपड़े बिखरे होंगे। सो बेटर है टाइम निकाल के इसको आज करके खत्म करती हूँ। बहुत बोरिंग काम है, सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे ये, बिल्कुल मन नहीं करता मेरा ये करने का। पहले फोल्ड करो, उसके बाद इनको अपनी जगह पे रखो, बेलने को पकड़ूंगी उससे रखवाऊंगी सारा। अरण्या के क्लास में ना भी रिसेंटली सिखाया है कि जो लैपटॉप है उसका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। सो जब से वो सीखा है, मैं जितने बार लैपटॉप खोलती हूँ मुझे उतने बार स्क्रीन चेंज डिफरेंट मिलता है, हर बार पता नहीं कहाँ कहाँ से नए नए स्क्रीन, एवरी टाइम सारे एक्सपेरिमेंट्स वो मेरे लैपटॉप पे करती है। चीयर्स फ्रेंड्स, शाम की चाय। सो यस, आप लोग काफ़ी लोग मेरे शाम के चाय के साथ चीयर्स करते हो, मॉर्निंग के चाय का तो एक बार तो बनता है। और यस, आज तो मेरा कप और मेरा टॉप दोनों बिल्कुल मैचिंग हो गए हैं, और यहाँ पर बच्चों की खेलने की इतनी खिलखिलाहट है, मस्त बच्चे, मौसम आज इतना अच्छा हो रहा है ना, हल्की धूप है और दिख रहे हैं आपको, हल्की सी धूप है और मस्त वेदर है, नॉट ठंडा ना गर्म। और मेरी घड़ी पे मत जाओ, कितने बज रहे हैं घड़ी में अभी? 3 बज रहे हैं, घड़ी अब तक ठीक नहीं हुआ है, बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए, बट क्या करें, ठीक करवाना पड़ेगा और मुझे इसको हटाना नहीं है। ओके, सुभाष की मीटिंग चल रही है इसलिए मैं धीरे बात कर रही हूँ। और जब से नए कप आए हैं ना, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा मेरा कप, आई न्यू आप लोगों को अच्छा लगेगा आपका, और मेरा टेस्ट ही मैचिंग है। और जब से नए कप्स आए ना, वो पुराने कप्स में चाय नहीं पी रही हूँ, मैं इसी में पी रही हूँ, पुराने कप्स भी सोचते होंगे ना, हाँ हाँ पी लो नए में कितने दिन, वापस हमारे पास भी आओगी। कुछ भी बोलती हूँ ना मैं। डिनर में बनाने वाली हूँ मैं बिल्कुल सिंपल सी खिचड़ी, सिंपल खिचड़ी मतलब बिल्कुल पानी वाली होती है ना, एक एक बोल वाली। तो यहाँ पे मैंने लिया है शुद्ध घर का बना हुआ देसी घी, इसमें बनाएंगे हम लोग खिचड़ी। Tell me what it's like to be circling among the clouds, because without you by my side I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark, your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed,
तो ये हमारी बिल्कुल कंफर्टिंग फूड जिसमें से बिल्कुल धुआं निकल रहा है, देखो कितना मस्त लगता है स्टीम निकलते हुए, रेडी है। और खिचड़ी भी कितनी अमेजिंग लग रही है ना, इस बोल में सर्व करो तो बिल्कुल एक्सोटिक लग रही है। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अभी हम डिनर करेंगे। सो आई रियली होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और लगा है तो थम्स अप जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सो बाय, टेक केयर, एंड यू ऑल स्टे सेफ। बाय।